श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई तक आपको पैन कार्ड को और आधार कार्ड को लिंक करना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2017 तक पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करवाना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर आपके पैन नंबर को रिजेक्ट किया जा सकता है। दूसरी ओर सरकार ने रिटर्न टैक्स जो है भरने के लिए पैन कार्ड और आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब साफ है कि पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो मौजूदा वित्त वर्ष में इनकम टैक्स आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद उन लोगों को परेशानी होगी जिनके नाम की स्पेलिंग पैन कार्ड या आधार कार्ड में अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में भी पैन कार्ड और आधार को लिंक करवाने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डिटेल अलग है, तो आप अपने पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड में सुधार के लिए आवेदन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर कर सकते हैं। दूसरी ओर आधार में सुधार करवाने के लिए आधार केंद्र पर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सरकार ने टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। आप मौजूदा समय में देखेंगे तो देश में 24.37 करोड़ से अधिक पैन कार्ड है और 113 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आधार कार्ड बन चुका है। इनमें से महज 2.87 करोड़ लोगों ने 2012-13 के दौरान टैक्स रिटर्न जमा किया है। अब इन 2.87 करोड़ लोगों में 162 करोड़ लोगों ने टैक्स रिटर्न दाखिल तो किया है लेकिन टैक्स में 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया। तो ये जो चोरी है वो अब नहीं चलेगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।